हमारे साथ रविशंकर प्रसाद है, ये उनसे बात करते हैं। सर, विपक्ष ने वॉकआउट किया, बोला 90 मिनट तक कुछ भी मणिपुर का नहीं बोला, 40 मिनट बोले बाद में ना। और एक बात आपको मालूम है ना, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है सरकार में अविश्वास, तो सरकार पे विश्वास की बात नहीं करेगी, वो सब कुछ बोलेंगे, गाली पढ़ेंगे, राहुल गांधी माँ भारती के टूटने की बात करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, इतने भीषण बेबुनियाद आरोप लगाएंगे और सच्चाई भी नहीं बोली जाएगी, ऐसा कैसे होगा। आज मोदी जी का भाषण बहुत दिव्य था, अलौकिक था, ऐतिहासिक था, इट वॉज इंस्पायरिंग, इट वॉज हिस्टोरिकल एंड ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए न्यू बाम ही गेव टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे जिगर के टुकड़े हैं। अधीर रंजन जो नेता है कांग्रेस, उनको सस्पेंड कर दिया है। अब ये माननीय स्पीकर साहब का विशेष विशेषाधिकार है, प्रस्ताव पारित हुआ है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने बोला मतलब अपने भाषण में जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा सही है क्या? आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार है ना, पीएम छोड़िए, क्या किसी सांसद के बारे में इस तरह की बात बोली जाती है क्या? उनकी आदत बन गई है, दुर्भाग्यपूर्ण। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रविशंकर प्रसाद जी कहते हुए कि क्या प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था, कहीं ना कहीं अधीर रंजन की ये आदत बन गई है। और रामदास अठावले साहब भी यहाँ पे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अठावले साहब, क्या आपको लगता है अधीर रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है? लेकिन हाउस में कामकाज होना चाहिए, डोका डोकी करना ठीक नहीं था, इसीलिए मतलब वो प्रस्ताव लाया है। और आज विपक्षी दलों ने विस्तार प्रस्ताव लाया था और उसके बावजूद उन्होंने भाग जाना ठीक नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को जो जगह दिया है, लेकिन विपक्षी दल जो है वो भाग गया है, तो ये बात अच्छी नहीं है। लोकतंत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े सवाल बहुत बड़ी शांति से अपनी भूमिका रखी है जो उनको रखना था, लेकिन विपक्षी दलों ने जो उल्टे सीधे आरोप किए थे उस पर मतलब उन्होंने ज्यादा जिक्र नहीं किया है। और विपक्षी दलों को भी आह्वान किया है कि भाई आइए हम साथ में बैठते हैं, देश को चलाते हैं, विकास के वॉकआउट कर दिया है, कह रहा डिसअपॉइंटेड है प्रधानमंत्री से। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तब वो मतलब बीच बीच में मणिपुर की बात कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जो उस पर बोलने वाले थे उन्होंने विस्तार से नॉर्थ के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया है, मणिपुर के लिए क्या किया है, और वहाँ शांति प्रस्तावित होनी चाहिए, तभी दोनों समूह उन्होंने आह्वान भी किया है। मुझे लगता है विपक्षी दलों ने आखिर तक हाउस में रहना चाहिए था, लेकिन उनका भाग जाना ये उनके लिए अच्छी बात नहीं थी।